कुछ लोग घूमने के पीछे पागल होते हैं। वो हमेशा ही नई जगह जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आप या आपका कोई जानने वाला इस कैटेगरी में जरूर आता होगा। इन घुमक्कड़ लोगों की तरह हम सभी को परिवार के साथ छुट्टी पर जाना अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस तब उतना अच्छा नहीं रह जाता जब सफर के दौरान आपकी तबीयत खराब होने लगती है। चाहे आप प्लेन, ट्रेन, बस या कार किसी से भी सफर क्यों ना कर रहे हो, आपको हर जगह आसानी से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो यात्रा के दौरान बीमार पड़ जाते हैं। यात्रा की वजह से बीमार पड़ जाने को हम साधारण भाषा में मोशन सिकनेस बोलते हैं। इससे ना केवल 33% लोग प्रभावित होते हैं, बल्कि ये जानवरों को भी प्रभावित करती है। सफर के दौरान अगर आपका कुत्ता अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है। प्राचीन ग्रीक, रोमन और चीनी साहित्य में भी आपको आसानी से समुद्री यात्राओं के दौरान लोगों और घोड़ों के बीमार होने की कहानियां मिल जाएंगी। आज हम मोशन सिकनेस और उसके इलाज के बारे में जानेंगे, इसलिए अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए इस मजेदार सफर पे। हमारे शरीर में किसी भी मोशन को डिटेक्ट करने के दो सिस्टम होते हैं। पहला हमारा शरीर और कान और दूसरा हमारी आंखें। मोशन सिकनेस आपको तब होती है जब आपके बॉडी द्वारा डिटेक्ट की गई मोशन आपकी आंखों द्वारा डिटेक्ट की गई मोशन से अलग होती है। उदाहरण के लिए, जब आप कार या नाव में यात्रा कर रहे होते हैं तो आपके शरीर को गति महसूस होती है, मगर आपकी आंखों को नहीं। खास तौर पर तब जब आप पीछे वाली सीट पर बैठे हों और कार के अंदर देख रहे हों। जो लोग आगे वाली सीट पर बैठते हैं उन्हें जनरली मोशन सिकनेस नहीं होती, क्योंकि वो मोशन को महसूस करने के साथ ही साथ देख भी सकते हैं। मोशन सिकनेस किसी भी वीडियो को 3D या VR में देखने से भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में आपकी आंखें गति महसूस करती हैं, मगर आपका बाकी का शरीर कुछ भी महसूस नहीं करता। मोशन सिकनेस तब भी हो सकती है जब दोनों सिस्टम मोशन तो डिटेक्ट कर रहे हों, मगर उनमें तालमेल ना बैठे। उदाहरण के लिए, जब आप उबड़ खाबड़ रास्ते पर धीमी गति से जा रहे हों, ऐसी कंडीशन में आपको झटके लगते हैं, मगर गाड़ी की कम स्पीड की वजह से आपको उतनी मात्रा में मोशन दिखाई नहीं देता। ऊपर बताए गए किसी भी कंडीशन में आपके दिमाग में मिक्स सिग्नल जाते हैं, जिससे दिमाग को लगता है कि आप हेलुसिनेट कर रहे हैं। और जैसा कि हेलुसिनेशन का सबसे बड़ा कारण जहर होता है, इससे दिमाग का पोस्ट्रीमा एरिया सक्रिय हो जाता है, ताकि जहर को उल्टी के जरिए शरीर से बाहर निकाला जा सके। मोशन सिकनेस होना वैसे तो खतरनाक नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा उल्टियां होने पर डिहाइड्रेशन का खतरा जरूर बढ़ जाता है। तो आप मोशन सिकनेस और उल्टियों को कैसे रोक सकते हैं? यात्रा के पहले भारी और तीखा खाना ना खाएं, तेज गंध और स्मोकिंग से बचें, धीरे धीरे व गहरी सांसें लेते रहें। यात्रा के दौरान कार के बाहर देखें ताकि आपकी आंखें मोशन को डिटेक्ट कर सकें। और हाँ, अगर आप चाहें तो यात्रा के पहले या यात्रा के दौरान दवा भी ले सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं तो इन सुझावों को अपनाइए और अपनी छुट्टियां अच्छे से मनाइए। अगर आप मोशन सिकनेस के लिए कोई घरेलू उपाय यूज करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।